गुंडी और गुंडी दुमदी के पास ये लद्दाख को काट करके अब किसके बीचों बीच बहने लगती है? लद्दाख और जांसकर, किसके बीच में? लद्दाख और जांसकर की है। अब यहां ध्यान से सुनना है, लद्दाख और जांसकर से अब इसी पे एक नदी अगर जो जांसकर से आपको बताया भी है, जांसकर से निकलती है और जाकर के मिल जाती है सिंधु नदी में, इस नदी का नाम है जांसकर नदी। हाँ या ना, बता देना। और कहां मिलती है ये? ले, कहां? ले। अब ये नदी आगे की ओर अग्रसर हुई, कौन? सिंधु नदी। और ये लास्ट स्थल जो है वो है कारगिल, और कारगिल में एक शहर है बटालिक। तो बटालिक शहर जहां कारगिल विश्व युद्ध हुआ था 1999 में, यहां से ये नदी जो है पीओके में प्रवेश कर जाती है, और पीओके से ये खाइबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तान में निकलती है, और फिर पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत के बाद सिंध प्रांत, और जाकर के कहां गिरती है? अरब सागर। यहां एक नदी आकर के मिलती है पीओके में से, जिसका नाम है श्योक नदी। श्योक नदी, और जहां ये मिलती है उस स्थान का नाम है सकारदू। सकारदू, ठीक है ना? सकारदू याद रखना है। वही अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से एक नदी आती है, और ये आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है काबुल नदी। और जहां ये मिलती है उस स्थान का नाम है अटॉक। ये है, और ये है आपका सिंधु नदी प्रणाली कैसे बहती है। सिंधु घाटी 1960 में एक सिग्नेचर हुआ था, हाँ या ना? उसके तहत 80% सिंधु नदी जो पानी है वो कौन इस्तेमाल कर रहा, और 20% फेर है, हाँ या ना? तो यही आपकी ये नदी है।